वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे संगत लोग तन तन श्री रामदास साहब जी के 450 साल गुरगद्दी दिवस दिया बयान तो बेंत बेंत करवाइया जी। तो यही आप तन तन श्री रामदास जी के गुरगद्दी दिवस से थोड़ा इतिहास सुनवा करेंगे। तन तन श्री रामदास साहब जी महाराज चौथे थान ते श्री गुरु नानक दास श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी दे वारस। दसे जामे भावे इको ही जोड़ते सन पर फिर भी संसारिक मर्यादा मुख रखते हैं। सेवक स्वामी की प्रथा अनुसार सेवक नूं सेवा ते आग्या रूप कसौटी ते परख के ये अधिकारी कौन है इस गल नूं जनाउण लई ते अधिकारी दा निर्णय करके इस पदवी ते सुशोभित करन लई धन श्री गुरु अमरदास साहब जी ने सिखा पुत्रां ते अपने जवाइयां नूं सब नूं परखिया। आप जी दे दो पुत्र मोहन ते मोरी जी सन। मोहन बेपरवाह साध रूपी बंदा सी, कई बार गुरु जी की आज्ञा की परवाह नहीं करते सी। ते दूसरा पुत्र मोरी भावे सी ते आज्ञा कर पर कई बार सेवा दे खेचलां विच अवेसला हो जाता सी। गुरु जी के दो जवाई सन भाई जेठा जी ते रामा जी। आप जी दे दो पुत्रियां सन बीबी भानी जी ते बीबी दानी जी। बीबी भानी जी के पति का नाम रामा जी सी। बीबी भानी जी के पति का नाम वाहिगुरु जी जेठा जी सी जो कि बाद में श्री गुरु रामदास कर जी करके प्रसिद्ध हुए ते बीबी दानी जी के पति का नाम रामा जी सी। धन श्री गुरु रामदास जी नूं गुरपता गद्दी दी प्राप्ति विच भावें उन्हां दा अत्यंत आग्या दा पालना करना रात दिन गुरु दे हुक्म विच रहना ते अपने आप नूं अपने आपे दा त्याग करना है जिस ते श्री गुरु अमरदास जी दी दिनों दिन अंदरों खुशी प्राप्त हुंदी गई। पर इहदे नाल बीबी भानी जी ने जो सेवा पिता गुरु जी दी कीती इह वी गुरु रामदास साहिब जी दी गद्दी दे विच बहुत वड्डी सहायक बनी। धन श्री गुरु रामदास साहब जी सेवा का समा तवरीक अनुसार 20 बरे रहा है। जो बौली साहब बन वेले 6 बरे सिर तो मुंडासा नहीं लाया भावे गुरु अमरदास जी का दूजा जवाई रामा जी भी सेवा में बहुत करता सी पर सेवा करद्या गुरु ते सिद्धक साबित ना रहा जिस करके रामा जी काफी पिछे रह गए ते जेठा जी बहुत अगे लंघ गए। धन धन श्री गुरु रामदास ज्यों ज्यों सेवा करते गए त्यों त्यों बैराग त्याग भी बढ़ता गया। एक बारी श्री गुरु अमरदास साहब जी ने इन्हों एक जोड़ी कंगणा की दे दी सोने के कंगणा की दी। उन्हीं दिन एक बेनवा फकीर सभा लगी तो हमेशा आके ये आवाज करता हुंदा सी कि भेज देवे अमरू कुछ भेज देवे। गुरु जी ने सिर आटा ते एक टका ओदा मुकरर किया होया सी क्योंकि इस जिस वारी इसने पहले निरादर का शब्द कहा संगतां विच गुस्से की लहर दौड़ गई। गुरु जी ने सिखां नूं वरजिया ते कहा कि इस फकीर का बदले विच निरादर नहीं करना बल्कि बदले विच उल्टा उहदा सतिकार करना। गुरु जी ने कहा कि सेर आटा ते एक टका रोज तैनूं गुरु घर तों मिलिया करेगा। जदों मेरे सिखां दी सभा लगी हुई संगत जुड़ी जदों मेरे सिखां दी सभा लगी हुई संगत जुड़ी विच मैनूं एक बार ये बचन कह सुनाया। वह पखंडी ऐसा गिझिया कि गुरु के निरादर का बचन कह के सेर आटा ते टका लै जाया करे। धन श्री गुरु रामदास जी ने एक कंगन सोने का दे के अगों तो यह निरादरी का बचन ना बोलने की सुगंध दे दी। पर उन्हें तीजे कु दिन अपनी कसम तोड़ के फिर वही आवाज दे दी। रामदास जी ने दूजा जट कंगन सी वो दे के दूनी सुगंध फिर पवा दी। 4 दिन चुप रहा पंजवें दिन फिर वही आवाज दे दी। जदों इस गल का श्री गुरु अमरदास जी ने पता लग्या तो उन्होंने कहा कि तुसी लालच दे केस नूं क्यों टाउंदे हो ये बचन सानू निम्रता विच लिआउंदा। ये पखंडी साडी परखना करता है कि गुरु दे विच किन्नी कु निम्रता है। जेठा जी तुसी नहीं जानते कि लूण खा के निंदा करन वाला लूण दी तरह ही गल जांदा है। बस ये बचन कहने की देर सी कि थोड़े दिनों में ही उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। फिर गुरु जी की महिमा से मेहनत करन लगे ते धन श्री गुरु रामदास जी बोले
कि तू फरेबी ते झूठा फकीर बेलवा है, जे सच्चा होवे ता दीन क्यों होवे, क्योंकि देह मिथ्या है। ये सुन के जेठा जी दे चरण फड़ लै, दोवे कंगन भी अगे लिया रखे। पर इन्हें कहा कि गुरु के सच्चे सिख अते साध दिती हुई वस्तु वापस नहीं लिया करते, पर तू हुण मिन्नत कीती है इसलिए मैं गुरु अगे बेनती करके तेनू बख्शा देवांगा, अते बख्शा भी दिता, जिस करके हमेशा वास्ते गुरु जी की सिक्खी धारण करके सिदकी सिख बने। ऐसी बिरती जेठा जी की सी, सेवा निभाउणा गुरु घर विच सेवा एक महान तप है, बल्कि तपां दा भी सार तप है। गुरु साहब जी कीलियां कसवटियां ते परखना लई अपने दोनों दामाद रामा जी ते जेठा जी नूं परखण दे लई बौली साहब दी सेवा विच भावें दोनों बड़े काल घर दे काल दे सन, रामा जी भी कालां विच किसे तों पिछे नहीं सन। कई दाने पुरशां नूं शंका सी कि पता नहीं गुरु जी किस दी काल ते वध प्रसन्न होवन। शंका वाले ये भी समझते सन कि सेवा विच जो काल या मुशक्कत का हिस्सा है सतगुरु उससे प्रसन्न होंगे, पर सतगुरु की प्रसन्नता देन लैण विच नहीं होंगी, वो तो पूर्ण रूप विच जो आज्ञा का पालन करन रूप सेवा जो आज्ञा का पालन करन रूप सेवा करन ते प्रसन्न होंगे हैं। जैसा कि तुलसी जी ने भी रामायण च लिखा कि मालिक की आज्ञा पालन करने के बराबर कोई भी सेवा नहीं होंगी, आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। गुरु जी ने जाहिर करने वास्ते कि सिखां पुत्रां ते जवाइयां विचों आज्ञा का पालन करने वाला कौन है, इसका निर्णय संगत के सामने प्रगट करन लगे। जो सिखां नूं शंका सी कि रामा जी बड़ी घाल घालदे हन पर आज्ञा च बड़े कच्चे सन, एक दिन सतगुरु जी ने सिखां दी शंका निवृत्त करने वास्ते सच का उपदेश देने लई जीवन की 84 कट्टण लई जो बौली तैयार हो रही सी उहदे पास आ गए। संगत के सामने रामा जी ने आज्ञा की थी कि इमारत बनती देखने लई इस टिकाने थड़ी बनाओ जिथे आके असी बैठ जाया करिए, ते कहा कि इस नमूने की थड़ी बनी बिल्कुल इसे तरह। दूजी थां में धन श्री गुरु रामदास साहब जी ने भी आज्ञा दी कि इस तरह की थड़ी बनावो, ते अगले दिन दो थड़ियां बन गई। जदों शाम के टाइम देखने आए तो दोवें थड़े देख के ना पसंद किए ते हुक्म दिता कि ढा दियो ते इस प्रकार दे नवे सिरों बनाओ। तीजे दिन फिर देख के ढा के दोबारा बनाने का हुक्म दिता। मुकदी गल इसे तरह 7 दिन हुंदा रहा। किसे सिख ने रामा जी नूं पुछया कि भाई रामा की गल है, इतनी मुशक्कत नाल बनाए थड़े पर गुरु जी आके ढा दिंदे हन। रामा जी ने उत्तर विच इक अजिही भावना बोल रही सी जो केवल गुरु जी ने सोहरे रूप विच आम सधारण रूप विच प्रगट कर दी सी, क्योंकि रामा जी का उत्तर सी कि अवस्था बडेरी हो गई है, याद कुछ रहिंदा नहीं, जिवें कह जांदे ने मैं तां उसारदा हाँ, पर अगले दिन होर कुछ कह के टा दिंदे ने। ये उहनां दे बस दी गल नहीं, ये उहनां दे बिरध पुणे का कसूर है। मैं तां बणाउंदा बणाउंदा थक गया हाँ, मैं तां कल नूं जवाब दे देणा है, इस तो वधिया मेरे कोलों नहीं बनती, किसी होर कोलों बनवा लूं। मशक्कतां तां भावें रामा जी ने बहुत घालियां पर अखीर विच आके ना 16 आने फेल हो गया। जदों भावना गुरु परमेश्वर वाली नहीं रही, क्योंकि भावना तो बिना अज तक किसी सतपुरशां कोलों उहदे जग्यासू नूं कुछ नहीं मिलिया। जदों उसे सिख ने श्री गुरु रामदास जी नूं पुछया कि की गल है, गुरु जी थड़े क्यों ढहा देंदे ने, तां अगों श्री रामदास जी बोले कि मैं अलपग हाँ, कुछ गल समझण विच भुल हो जाती है क्योंकि मेरी मत बहुत थोड़ी है। वो बड़ी मेहर करदे ने, नाराज नहीं हुंदे, सगों नवें सिरे जुक्त समझा जाते हैं। मैं फिर बनाउंदा हाँ, बनाउणा उसारना मेरे लिए मुशक्कत नहीं, जद हुक्म हुंदा है कि बना तां मैनूं चा चढ़ जांदा है, जदों हुक्म हुंदा कि ढा तां मैनूं अपनी मत ते बड़ा शौक उपजदा है। पर गुरु जी थड़ी ढहंदी वेख के खुश हुंदे हन, उहनां दी खुशी दे नाल मैं फिर खुश हां, बस यही मेरी सफलता है। मेरी खुशी कोई नहीं, उहनां दी खुशी है। जे ओह बनाउण दी खुश हुंदे हन तां मैं बना के खुश हुंदा हाँ, ते जे ढा के खुश हुंदे हन
ਤਾਂ ਮੈਂ ਢਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਢਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਢਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਦਾ, ਅਸਲ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਰਵਲਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਲ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਸਨ ਜੋ ਲਾਹ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਤਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਤ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਰਹੋ ਚੋਟ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ, ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਣ ਸਮਰਥ ਮਹਾਨੇ, ਤਨ ਕੋ ਰਾਖ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਰੇ ਹੋ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਰਵਲ ਅਬ ਮੈਂ ਦੇਵੋ, ਹਿਤ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਸੁਭ ਲੇਵੋ, ਇਮ ਕਹਿ ਰਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਲਵਾਣ, ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ ਭਲੇ ਸਮਝਾਣ, ਏ ਤੇਰੀ ਅਬਦ ਬਿਤਾਈ, ਮੈਂ ਅਬ ਜਾਨ ਲੀਨ ਅਬਵਾਈ, ਇਕ ਸਤ ਸੰਮਤ ਰੋਚਾਰੀ, ਅਰਵਲਾ ਹਮਰੇ ਤਨ ਸਾਰੀ। ਅਬ ਖਟ ਬਰਖ ਇਕਾਦਸ਼ ਮਾਸ, ਦਿਓਸ ਅਸ਼ਟ ਦਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਾਸ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਹਮ ਤੁਮ ਕੋ ਦੀਨਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮੈਂ ਲੀਨ ਪਰਵੀਨਸ, ਤੋਹੇ ਮੋਹੇ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਰਹਿਓ, ਇਕ ਸਰੂਪ ਕਾ ਦੋਨੋ ਲਹਿਓ, ਜਲ ਕੋ ਭਰਿਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੈਸੇ, ਪਰੇ ਉਦ ਗੰਢੈ ਇਕ ਧਾਤ ਸੇ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੋ ਹੀ ਹਨ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ 5 ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਾਰੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਗੀ ਮਾਤਰ ਆਪਾਂ 1-2 ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਤਖਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖਿਆ ਜਨ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ, ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਨ, ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ, ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ, ਅਕਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ, ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
सतगुरु नानक भगत करी, एक मन तन तन गोविंद दियो, अंगद अनंत मूरत निस्तारी, अगम ज्ञान रस रस्यो कियो, गुरु अमरदास करतार कियो, बस बाहो बाहो करते आयो, श्री गुरु रामदास यो यह जग में ते, हर परम पद पायो। श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज, जगत विच आप जी की जय जयकार हो रही है, क्योंकि आप जी ने हरि परम पद रूप में पा लिया है। जिन अंगद अंग संग नानक गुर, तिब गुरु अमरदास कै गुरु रामदास। जिस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी के अंग हिरदे नाल मिलके श्री गुरु अंगद साहब जी संसार दे गुरु हुए, फिर जिमें ही श्री गुरु अंगद साहब जी के अंग संग मिलके गुरु अमरदास जी सतगुरु हुए, उसे प्रकार श्री गुरु अमरदास जी के अंग संग मिलके साहिब श्री गुरु रामदास जी सतगुरु पए हैं। भाई गुरदास अते तवारी ज्ञानी ज्ञान सिंह जी गुर प्रताप ग्रंथ भाई संतोख सिंह जी दत्ते हवाले में गुरता गद्दी दे विराजमान दे बड़े मिठे रस भरे प्रमाण आ चुके ने। हुण पट्टां दे सवैयां विच इक होर बड़ा ढुकमा प्रमाण पट दिंदे ने, कहिंदे नानक नाम निरंजन जान्यो, कीनी भगत प्रेम निवलाई, प्रथमे श्री गुरु नानक देव जी ने निरंजन दे नाम नूं जाणिया है अते बिरती लगा के प्रेमी प्रेमा भगती कीती है, ताते अंगद अंग संग साहिब तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। श्री गुरु नानक देव जी के अंग संग मिलके श्री गुरु अंगद साहब जी कुरिशर होए, भाव वाहिगुरु परमेश्वर दे जस करता है। गुरु अमरदास की कथ कथा है, एक जी कछ कही ना जाए, श्री गुरु अमरदास साहब जी की कथा अकथ रूप है, एक जिहवा तो कुछ नहीं कही जा सकती, तोड़ी सृष्ट सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली बुराई, संपूर्ण सृष्टि के तारण नु हुण सोढ़ी श्री गुरु रामदास जी ने संसार की गुरियाई रूप बड़ियाई मिली है। सो इस प्रकार तन श्री गुरु रामदास जी गुरु शरण आउण ते सेवा सिमरन की जिंदगी आरंभ करके गुरु अमरदास साहब जी की प्रसन्नता प्राप्त करके चौथे थां ते श्री गुरु नानक देव जी का स्वरूप हो प्रगटे, गुरता गद्दी के मालिक बने, चवर छतर जो गुरता गद्दी के चिन्ह सन उस ते श्री गुरु रामदास जी विराजे। तन तन श्री गुरु रामदास साहब जी के गुरता गद्दी दे सारे संतान ने बेअंत बेअंत बधाइयां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।